नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं शाफिया अंजुम और आप सुन रहे हैं डीसीपी न्यूज पर रेडियो के अंदाज में प्रदेश भर की खास खबरें। पहली खबर है हरिद्वार से। हरिद्वार गंगा जल लेने पहुंचे दूसरे राज्यों के वाहनों से सीपीयू ने उतरवाए प्रेशर हॉर्न, काटे चालान। खबर है नशा मुक्ति केंद्र से जुड़ी। देहरादून नशा मुक्ति केंद्र से फरार हुई चार युवतियां पुलिस तलाश में जुटी। खबर है आवास से जुड़ी। उत्तराखंड 3,500 से ज्यादा गरीबों के आशियाने को केंद्र की मंजूरी। खबर है विधानसभा सन को लेकर। उत्तराखंड 23 से 27 अगस्त तक चलेगा विधानसभा सन, कई विधेयक सदन में रखेगी सरकार। खबर है मशरूम प्रजातियों से जुड़ी। उत्तराखंड पहले चरण में खाने योग्य मशरूम की 23 प्रजातियां चिन्हित, राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन के तहत हो रहा अध्ययन। खबर है राज्य में खेल सुविधाओं से जुड़ी। उत्तराखंड सरकार के एजेंडे में नहीं है राष्ट्रीय खेल हॉकी, ढांचागत सुविधाएं तक नदारद। खबर है अपराध से जुड़ी। उत्तराखंड भाजपा पार्षद पति समेत 8 लोग जुआ खेल से पकड़े, 4,00,000 रुपए बरामद। अगली खबर है सड़कों के कायाकल्प से जुड़ी। उत्तराखंड में चुनावी साल में होगा सड़कों का कायाकल्प, केंद्र ने दिए 615 करोड़। खबर है दून स्कूल के छात्रों से जुड़ी। दून स्कूल के छात्रों ने तैयार किया लग्जरी अंतरिक्ष यान का मॉडल, जीती नासा की ऑनलाइन प्रतियोगिता। खबर है बंगाली समाज से जुड़ी। बंगाली समाज के जाति प्रमाण पत्र से हटेगा पूर्वी पाकिस्तान शब्द, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। खबर है मुकदमों से जुड़ी। महिला को प्रताड़ित करने के मामले में 3 पर मुकदमा। अंतिम खबर है आर्थिक मदद से जुड़ी। उत्तराखंड नवजात बेटी बनी जीने का सहारा, दी जाएगी 15,000 रुपए की मासिक आर्थिक मदद। तो ये आपने सुनी है रेडियो के अंदाज में प्रदेश भर की खबरें। अन्य खबरों के लिए बने रहें डीसीपी न्यूज उत्तराखंड के साथ और देखते रहें प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें। हम लेते हैं आपसे विदा। खुदा हाफिज।